गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार फ्रॉम गुरुकुल स्कूल से। आज आप लोग के लिए मैं क्लास थ्री सब्जेक्ट मैथ चैप्टर थ्री का वीडियो नंबर वन लेकर आया हूँ। आप लोग चैप्टर थ्री में आप लोग देख सकते हैं एडिशन है। चैप्टर थ्री का जो है नाम एडिशन, यानी इसमें हम लोग ऐड करना सीखेंगे, सिंपल ऐड। इसमें हम लोग सीखेंगे विदाउट कैरिंग एंड विथ कैरिंग, यानी कैरी वाला और बिना कैरी वाला ऐड सीखेंगे। अब सबसे पहले सीखते हैं विदाउट कैरिंग, बिना कैरी वाला ऐड कैसे बनाते हैं। आप लोग प्रीवियस क्लास में सीख चुके होंगे टू डिजिट का ऐड विदाउट कैरिंग वाला। अब देखते हैं थ्री डिजिट का, फोर डिजिट का ऐड जो कि बिना कैरी का। अब फर्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ए नंबर, एट प्लस जीरो, यानी कि एट प्लस जीरो क्या होगा, एट में जीरो को प्लस करेंगे तो एट ही होगा। सेवन प्लस वन, सेवन में वन को प्लस करेंगे तो एट होगा। और फोर प्लस थ्री, फोर में थ्री प्लस करेंगे तो सेवन होगा। एक बार इसको मैं रिपीट करता हूँ। अब कैसे ऐड करेंगे, जो वन प्लेस पर है इसके नीचे जो वन प्लस पर है ये दोनों को आपस में प्लस करेंगे और इसके ठीक नीचे लिखेंगे। उसके बाद जो टेन प्लस पर है उसके नीचे वाले टेन प्लस में ऐड करेंगे और यहाँ पर टेन्स के स्थान पर राइट करेंगे। और हंड्रेड प्लस पर जो संख्या है उसके नीचे जो हंड्रेड प्लस पर संख्या है उसको आपस में ऐड करेंगे और नीचे हंड्रेड के स्थान पर लिखेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। बी नंबर, टू प्लस फोर, इसमें कैरी नहीं है, टू और फोर सिक्स हो जाएगा। फोर प्लस थ्री, फोर और थ्री सेवन हो जाएगा। वन प्लस सेवन, वन प्लस सेवन एट हो जाएगा। और फाइव प्लस टू, फाइव प्लस टू सेवन हो जाएगा। इस तरह से आप लोग ये थ्री डिजिट का बिना कैरी वाला, विदाउट कैरी एंड आप लोग खुद सोल्व करिएगा। डिन नंबर में मैं यही दिया हूँ एक और बिना कैरी वाला थ्री डिजिट का, इसको आप लोगों को खुद सोल्व करना है। मैं आप लोग एक बात को समझा देता हूँ। ये आपस में वन प्लस तीनों को प्लस करेंगे, यहाँ लिखेंगे। टेंस प्लस में ये जो टू फोर थ्री है ये तीनों को प्लस करेंगे, टेंस प्लस का था करेंगे। और हंड्रेड प्लस में ये जो थ्री डिजिट दिया है वन टू और फोर, इस तीनों को प्लस करेंगे और यहाँ राइट करेंगे। सेम प्रोसेस आपका डी नंबर में होगा। ये दोनों जो क्वेश्चन है विदाउट कैरी होगा, बिना कैरी वाला है। अब आते हैं, इसको मैं छोड़ता हूँ, आप लोग कुछ प्रयास कीजिएगा, घर पर सोच दीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री ए है जो कि विथ कैरी, कैरी वाला है। कोई भी ऐड कैरी वाला हम कैसे उसको ऐड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए नंबर, 269 यानी कि 269 में प्लस करना है 128 को। अब देखा जाए तो 9 और 8 कितना होगा, तो 9 8 17 होगा। तो 17 यानी कि देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ 17। तो 17 का जो राइट साइड में होता है नहीं जाता है, वन प्लस पर जो आता है उसको लिख देते हैं और जो लेफ्ट साइड में आता है वो हमारा कैरी हो जाता है। और जो ये कैरी हुआ वो इसके बगल वाला जो संख्या होता है उसमें प्लस करते हैं, यानी कि 9 और 8 17 का 7 हो जाएगा। ये जो कैरी 1 बच गया इस 1 को इसमें प्लस कर देंगे। चलिए मैं आप लोग यहाँ लिख दिया समझने के लिए, 1 इसमें प्लस कर देंगे तो 1 और 6 7, 7 और 2 9 हो गया। अब 2 और 1 3 हो गया। इस तरह से 269 प्लस 128 को प्लस करेंगे तो 397 आएगा। अब एक और देखते हैं बी नंबर तरफ बढ़ते हैं। 9 8 7 ये तीनों इस तरह है, यानी कि वन प्लस पर है। टेंस के स्थान पर 439 है और हंड्रेड के स्थान पर 511 है। ये तीनों को अलग अलग पर प्लस करेंगे और नीचे राइट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लाइन से यानी कि वन प्लस को ऐड करते हैं। 9 8 17, 17 और 7 24 होता है। तो 24 यानी कि ये देखा जाए तो ये तीनों प्लस करने पर आपका 24 आ गया। तो मैं आप लोग यहाँ पर सुनाता हूँ 24 यानी जो राइट साइड आता है उसको यहाँ लिख देते हैं और लेफ्ट साइड जो आता है वो आपका कैरी हो जाता है, वो उसके बगल वाला में प्लस करके ऐड करके लिखते हैं।
अब ये आपका टू कैरी हो गया, चलिए मैं यहाँ पर टू लिख देता हूँ कैरी, ये टू आपका कैरी हो गया, पता चलेगा क्योंकि ये प्लस करने पर 24 आया, तो 4 में लिख दिया, ये 2 कैरी यहाँ पर लिख दिया। अब 4 और 3 7, 7 और 9 16 हो गया, ये 16 हो गया, 16 में 2 प्लस करेंगे क्योंकि ये 2 जो कैरी है वो बगल वाला है, 2 प्लस करेंगे तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 का 8, इसका भी 1 कैरी आपका बच गया, क्योंकि 1 8 18 होता है, देखिए यहाँ पर 1 8 18 होता है, 18 में लिख दिया 1 प्लस वाला और 1 आपका कैरी हो गया। अब इस कैरी को इस 9 में प्लस करके और यहाँ लिख देंगे तो 5 और 1 6, 6 1 7, 7 और ये 1 कैरी है, ये इस 10 प्लस वाला का 1 कैरी है, तो 5 6 7 और 1 8 हो गया, यानी कि 884 हुआ, यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो 549, 138 और 197 को प्लस करेंगे तो 884 आएगा। अब ये ध्यान देते हैं, सेम क्वेश्चन है, कैरी वाला ये 2 डिजिट है, अब आप लोग कर सकते हैं मुझे पूरा विश्वास है। फिर यही क्वेश्चन है 3 डिजिट का जो कैरी वाला है, ये भी आप लोग कर सकते हैं, यानी इसको प्लस करेंगे इसमें का कैरी इसमें प्लस कर देंगे, इसको प्लस करेंगे इसमें का जो कैरी आएगा वो इसमें प्लस कर देंगे, इसको प्लस करेंगे और इसमें का जो कैरी आएगा वो ये फोर्थ नंबर जो है 1000 पर इसमें प्लस कर देंगे, यदि कैरी होगा तो ही प्लस करेंगे, नहीं होगा तो प्लस नहीं करेंगे। अब सेम क्वेश्चन ई नंबर है, सेम है ये 4 डिजिट का ऐड है, इसको प्लस करेंगे जो कैरी आएगा वो इसमें प्लस करेंगे, इसका कैरी इस नंबर में प्लस करेंगे और इसका कैरी इसमें प्लस करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को विदाउट कैरी एंड कैरी वाला ऐड में अब आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द मिसिंग नंबर्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, यानी जो मिसिंग नंबर है, जो नंबर खोया हुआ है, गुम है, नहीं दिया है, उसको फिल करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 7 + 4 = 4 + कितना होगा, यानी 7 + 4 = 4 + यहाँ पर क्या फिल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप लोग इसे एक ट्रिक बता रहे हैं, जिस ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसका आंसर फिल करिएगा तो आंसर करेक्ट होगा। तो देखा जाए तो इक्वल के पहले और इक्वल के बाद दोनों सेम आना चाहिए। इक्वल के पहले देखते हैं तो 7 + 4 है और इक्वल के बाद 4 है प्लस है, यानी कि देखा जाए कि इक्वल के बाद कौन सा संख्या नहीं दिया है जो कि इक्वल के पहले दिया हुआ है। तो इक्वल के बाद 4 दिया है और इक्वल के पहले भी 4 दिया है, और यानी इक्वल के बाद और कुछ नहीं दिया है लेकिन इक्वल के पहले 7 दिया है, यानी इक्वल के पहले जो 7 है वो इक्वल के बाद नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम 7 फिल कर देंगे। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आता है हम लोग 7 ही फिल क्यों करेंगे, ये 4 को पुनः एक बार और फिल क्यों नहीं कर सकते हैं। चलिए इसको आप लोग मैं एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। यहाँ देखिए 7 + 4 = 4 + कितना होगा, मुझे ये दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए क्योंकि ये 7 + 4 जितना है इसका वैल्यू उतना ही वैल्यू इक्वल के बाद जो है वो आना चाहिए। तो 7 + 4 को हम प्लस करेंगे तो 11 आएगा, और 4 + यानी 4 में और कितना प्लस करेंगे कि मुझे इक्वल के पहले जो 11 आया उतना आना चाहिए। तो 4 में और हम 7 प्लस करेंगे तो ये भी 11 आ जाएगा और ये इधर 11 आ गया, यानी कि ये इधर का और इधर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया, यानी कि ये भी 11 और ये भी 11, इस तरह से यहाँ पर हम 7 फिल करेंगे। तो ये 7 फिल करेंगे तो इसी को ट्रिक के माध्यम से हम डायरेक्ट इसको हम लोग ऐसे प्लस माइनस न करके डायरेक्ट जो नहीं दिया रहता है उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब सेम क्वेश्चन है बी नंबर, 4 + 8 = blank + 4, यानी 4 4 दोनों तरफ दिया है, यानी कि ये 8 नहीं दिया है, तो यहाँ पर 8 राइट कर देंगे, इसी बन गया। अब देखते हैं ये दोनों को प्लस करने पर दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4 + 8 = 12 होता है, इक्वल के बाद 8 + 4 भी 12 होता है, यानी कि दोनों इक्वल आ गया। प्लस करने पर या माइनस करने पर या सोल्व करने पर
दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। जब इक्वल आ रहा है तो मेरा आंसर सही है, और नहीं आ रहा है तो मेरा आंसर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी। ये तो सिंपल है, प्लस जैसा 0 + 1854 इसको प्लस करेंगे तो 1854 ही आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में 0 को प्लस करेंगे तो वो खुद वही का वही संख्या होता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं डी नंबर 2 + 5, ये ब्रैकेट में +3 इक्वल 2 + 5 + क्या होगा। चलिए इस फॉर्मूला पर इसको हम लोग इस ट्रिक से इसको सोल्व करते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी इक्वल के बाद 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 है इक्वल के बाद यहाँ भी 5 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 3 है और इक्वल के बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 3 हम फिल कर देंगे। अब देखते हैं क्या 3 फिल करने के बाद मेरा इक्वल के बाद का वैल्यू और इक्वल के पहले का वैल्यू दोनों सेम आ रहा है। चलिए चेक करते हैं 2 + 5 = 7, 7 + 3 ये कितना आ गया। यहाँ पर मैं आप लोगों को समझने के लिए 10 लिखते हैं, ये आप लोगों को सोल्व करते वक्त लिखना नहीं है, ये 10 हो गया। अब इक्वल के बाद चेक करते हैं क्या ये भी मेरा प्लस करने पर 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 + 5 पहले ब्रैकेट कॉल करते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। 5 + 3 = 8 और 8 + 2 = 10 यानी कि भी हमारा 10 आ गया, यानी कि इक्वल के पहले और इक्वल के बाद दोनों सेम आ गया, यानी कि हम आंसर यहाँ पर फिल किए हैं 3, मेरा आंसर सही है, यानी आंसर 3 होगा। इसी तरह से ये 9306 में 0 प्लस करेंगे तो सेम वाई का वही संख्या होगा, जो कि आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर सी में बता चुका हूँ। एफ नंबर जो है आपका डी नंबर जैसा है 35 + 28 + 104। अब इसके बाद देखा जाए तो 35 यहाँ पर लिखा हुआ है, 28 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि 104 उधर नहीं लिखा है, तो 104 को हम फिल कर देंगे। तो इस तरह से ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से सोल्व कर सकते हैं। अब आगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए फ्रूट सेलर सोल्ड 4500 ऑरेंज, 2425 एप्पल्स एंड 1585 बनानाज, हाउ मेनी फ्रूट डिड ही सेल ऑल टूगेदर। एक फल विक्रेता, फल बेचने वाला वो है जो कि ऑरेंज 4500 सोल्ड करता है, बेचता है, एप्पल 2425 बेचता है और बनाना 1585 बेचता है, तो करेगा पूरा कितना फल बेचता है, तो पूरा को जोड़ देंगे, यानी कि ऑरेंज एप्पल एंड बनाना जो तीनों का संख्या दिया है वो तीनों को आपस में प्लस कर देंगे, और जो मेरा प्लस करने के बाद आंसर होगा वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि वो इतना फल बेचता है। अब चलिए इसका लैंग्वेज देखते हैं, ऐसे आप लोग तो सिंपल को प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जैसे 4275 4500 1585, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन प्रयास करना है कि हमें लैंग्वेज में सोल्व करना है, लैंग्वेज में हमें सोल्व करना है। सिर्फ मैं इसका लैंग्वेज आप लोग बता रहा हूँ। फर्स्ट है नंबर ऑफ ऑरेंज, यानी कि वो ऑरेंज कितना सोल्ड करता है, कितना बेचता है, तो ऑरेंज यानी कितना ऑरेंज बेचा तो 4500। नंबर ऑफ एप्पल यानी वो एप्पल कितना बेचता है, देखिए यहाँ पर लिखा है एप्पल 2425। एंड नंबर ऑफ बनानाज यानी केला, केला वो बनाना कितना बेचता है तो 1585। ये इतना ये फ्लावर सॉरी फ्रूट बेचता है, तो ये पूरा कितना बेचता है, मैं आप लोग यहाँ पर ऐड करके मैं शो कर दिया हूँ। यहाँ पर आगे रफ में हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या सामने भी ऐड कर सकते हैं। सामने मैं ऐड किया 4500 2425 1585, ये तीनों फ्रूट्स की संख्या को ऐड किए तो मेरा आंसर आया 8560। तो लिख देंगे कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स डिड ही सेल, यानी टोटल वो कितना फ्रूट सेल किया 8560। तो ये इस तरह से आप लोग अपने जो बुक में लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं। अब तब तक लिए आप लोगों को मैं इस वीडियो का
इंड करता हूँ। अब आप लोग इस क्वेश्चन को घर पर सोल्व कीजिए, इसमें का जो रेस्ट क्वेश्चन बच गया आप लोग घर पर सोल्व कीजिए, और जो प्रॉब्लम हो रहा है वो कमेंट्स में बताइए, मैं उसको सोल्व करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।